दोस्तों आपको घर बैठे ही आज हम विजिट करने वाले पांडव देनी, वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं आई है तो वन बाय वन आपको सारी दिखाने की कोशिश करने वाले। नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले पांडव लेनी जो नासिक से 10 किलोमीटर के अंतर पर आए हुआ है। आप नासिक कैसे पहुंचोगे, कहां घूमोगे, कहां रुकोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हो। यहां की एंट्री टिकट 25 रुपये और विदेश नागरिक हो तो आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ आई हुई है जो चढ़ के आपको ऊपर तक पहुँचना होगा। दोस्तों अभी हम नासिक से आए हुए पांडव लेनी की विजिट करने के लिए और पांडव लेनी नासिक से महज 10 किलोमीटर के अंतर पर आया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टेप है जो आपको चढ़ के ऊपर तक पहुँचना होगा। नासिक से आप आ रहे हो ऑटो द्वारा तो कुछ 150 रुपये चार्ज लेके यहाँ तक छोड़ने का और वापस जाने का भी कुछ 150 जितना होगा। इस ट्रिप का आपको 300 रुपये जितना चार्ज रहेगा आने जाने का। यहाँ पे कुछ कुछ अंतर पे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा इस गुफाओं के बारे में हिस्ट्री, तो ये पढ़ते पढ़ते आप ऊपर तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे आ रहे तो पानी की बोतल वो सब साथ में रखेगा तो अच्छा रहेगा। हम ऊपर तक पहुँच चुके हैं और यहीं ऊपर की साइड टिकट पारी आई हुई है तो यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ये सुबह 8:30 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म की 24 केव यानी कि 24 गुफाएं देखने को मिलने वाली है। इस प्लेस की विजिट कर रहे हो तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सारी गुफाएं इसी तरफ बनी हुई है जहाँ से सूरज उगता है उसके सामने ही सारी बनी हुई है, ताकि सुबह जब भी उगे तो यहाँ की और उजाला बहुत ही बढ़िया होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से गुफाएं आपको दिखेगी। तो सुबह जितना हो उतना सुबह के टाइम आओगे तो अच्छा रहेगा। ये आप देख रहे हो ये एक नंबर की गुफा, यहाँ पे टोटल 24 गुफाएं आई हुई है जिसमें कई गुफाएं अच्छी हालत में हैं तो कई गुफाएं भी टूटी हुई भी आपको देखने को मिलेगी। ये गुफा देख रहे हो कुछ ऐसी बनी हुई है, सामने कोई मूर्ति शायद हो गई या बैठने की जगह हो गई, ऐसे ये 2 नंबर की गुफाएं। यहाँ पे आप देख रहे हो बौद्ध धर्म के अलग अलग मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ ऊपर की साइड पानी का टैंक भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये दूसरी केव ही है देख रहे हो, और जब भी आप अंदर जाए तो बाहर जूते चप्पल बाहर निकल के ही अंदर जाइएगा। ये आप देख रहे हो दोनों साइड भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति आपको देखने को मिलेगी और शायद अंदर की जगह भी आप देख रहे हो बहुत ही बड़ी है तो अंदर की साइड भी शायद मूर्तियाँ होगी। ये पूरी जो गुफा बनी हुई है ये पूरी एक पत्थरों से ही बनी हुई है, उसको ही काट कर बनाया गया है। ये वाली एक और गुफा है पर ये खाली है तो कुछ ऐसी भी गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 6, 7, 8 नंबर गुफा सब साथ में देख रहे हो।
यहाँ पे आप देख रहे हो एक साथ छोटी बड़ी बहुत सारी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नंबर भी मारे हुए हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ऊपर की साइड भी गुफा है लेकिन ये टूट गई है तो ऊपर हम नहीं जा सकेंगे। बौद्ध धर्म की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर ही बहुत सारी गुफाएं यहाँ पर आई हुई है। ये आप देख रहे हो कुछ ऐसा बना हुआ है, बहुत सारे खंभे और खंभों पे कुछ लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड भी बहुत सारी गुफाएं आई हुई है, वहां पर भी कुछ लिखा हुआ आपको खंभों पे देखने को मिलता है। वो एक ऐसी बड़ी गुफा है जहाँ पे अंधेरा है, सामने की ओर एक मूर्ति है बौद्ध धर्म की, वो साफ साफ नहीं दिख रही क्योंकि अंधेरा बहुत था, लेकिन आपको शायद दिख जाए तो देख लीजिए। यहाँ से आप देख रहे हो सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ बहुत सारी गुफाएं और बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ देखने को मिली, उसके अलावा यहाँ पर पानी की टंकियाँ भी देखने को मिलने वाली है। और ये सारी आप देख रहे हो बौद्ध धर्म की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख लो लास्ट गुफा 24 नंबर की, तो कुछ ये गुफा ऐसी होने वाली, कहीं मूर्तियाँ खंडित भी हो चुकी है तो कुछ ऐसा आपको नज़ारा दिखने वाला है। दोस्तों कैसा लगा आपको पांडव लर्निंग का वीडियो? अगर पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।